रुद्र तुमसे प्यार करता है या नहीं वो तुम्हें मैं बताती हूँ, क्योंकि दिल की बातें कहना इसे तो आता ही नहीं, बस इसे सिर्फ सहना, महसूस करना, सब अंदर ही अंदर, ऊपर से कुछ नहीं दिखाता है। लेकिन मैं भी माँ हूँ इसकी, सब देख लेती हूँ। और देखा है मैंने इसे खुश होते हुए, हंसते हुए, तुम्हारे साथ ही देखा। पत्थर था ये, तो धीरे धीरे तुम्हारे साथ इस पत्थर को पिघलते हुए देखा है मैंने। देविका एक बात समझो बेटा, ये इतनी जल्दी नहीं बोल पाएगा, उसे समय की जरूरत है, तब तक तुम्हें महसूस करना पड़ेगा। हाँ बेटा, दिल ही दिल में ये बहुत प्यार करता है तुझसे, इसीलिए तो शादी कर रहा है तुमसे। क्या तुम सच में मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो? बेटा मैंने अभी तो बताया, करता है तुझसे प्यार, बहुत प्यार, और तू मुंह से नहीं बोल सकता लेकिन सर हिलाकर हाँ तो कर सकता है। ठीक है, मैं नीचे जाके सबको अपना डिसीजन बताती हूँ। चलो। एक मिनट माँ, क्या किया आपने? क्यों कहा आपने ऐसा कि मेरी प्रीशा मेरी पत्नी मर चुकी है? क्यों क्यों बोला इतना बड़ा झूठ आपने? क्या मतलब क्यों? वो जिंदा है, तेरी जिंदगी में है, वो तेरे साथ है, तो कैसे संभाले के क्यों किया मैंने? और क्या करती मैं, खड़ा कर देती प्रीशा को सबके सामने कि ये रुद्राक्ष की पत्नी है जिसे अब भी ये बहुत प्यार करता है। ऐसे क्या देख रहा है, सब जानती हूँ मैं, कल वो स्टोर रूम का दरवाजा जाम नहीं हुआ था, तूने खुद लॉक किया था उसे अपने आप जान के। बोलिए सच नहीं है? देख प्रीशा को, तू भूल चुकी है तुझे बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ गई है, उसका एक परिवार है, खुश है वो उस परिवार में, अपनी नई जिंदगी में, अपने नए पति के साथ, उस बच्ची के साथ, और तू तू बेवजह अभी भी उससे बंधा हुआ है, क्यों? बेटा प्रीशा तेरा बीता हुआ कल थी, तेरा आज और तेरा आने वाला कल देविका है, इतनी सी बात तुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है? हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन लेकिन क्या, इतनी बड़ी खुशी मिल रही है तुझे, नसीबों वाले होते हैं बेटा जिन्हें जिंदगी में दूसरा मौका मिलता है फिर से अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का, तुझे ये मौका मिल रहा है, उसे बर्बाद मत कर, मत कर, मेरी बात मानेगा? ये शादी होने दे, ये शादी होगी तेरा घर फिर से बस जाएगा, तेरा अपना परिवार होगा जैसे प्रीशा का है, प्रीशा भी तो यही चाहती है ना बेटा? ठीक है माँ, मैं वही करूँ जो आप कह रहे। सच अब मैं ये शादी होने दूंगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक प्रीशा खुद ये शादी नहीं रोकती, ये एडमिट करती है कि वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। फ्रेंड्स, I'm sorry, जो भी कुछ हुआ, it was just a misunderstanding, और वो गलतफहमी अब दूर हो चुकी है, so we're on with the function, और शादी as decided ही होगी। अरमान, हल्दी का शगुन देना, शुरू करें। प्रीशा, सर कुछ रखने इसकी कोई जरूरत नहीं, ये शगुन है, इसे मना नहीं करते। अरे हाँ भाई, हमारे परिवार से रिश्ता जुड़ रहा है आपका, दामाद बन रहे हैं हमारे, गिफ्ट तो लेना ही पड़ेगा। क्या आपके लिए? बस आपने इसे दे दिया, बहुत है। प्लीज, ये हमारा प्यार है जो हम शेयर कर रहे हैं। मैं शगुन, आई इंसिस्ट। शुक्रिया। ये किसके लिए है? ये शारदा जी के लिए। इसकी जरूरत नहीं है बेटा, ये काफी है। कोई बात नहीं, हमारा प्यार है, प्यार समझ के रख लीजिए। चलो भाई।
यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बस कल भी सब कुछ ठीक ठाक रहे। तैयार है ना कल के लिए? कल वो टेंडर खुल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, साल भर का प्रॉफिट डबल हो जाएगा। जी चाचा जी, मेरी तैयारी पूरी है, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। नो वरी, आई एम श्योर। ये बहुत कुछ दिया है इन्होंने आज भाई, दो दो डायमंड सेट और ये साड़ियाँ, शारदा तक को नहीं भूले ये लोग। हमने देविका को कुछ भी नहीं दिया, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ देना चाहिए उसे हमें भी ना। मैं कुछ करता हूँ, शादी और बाकी फंक्शंस में हम ही देंगे, कुछ ना कुछ तो दे देंगे। हम देना तो है लेकिन कहाँ से देंगे, अभी जो पैसे आए थे वो तो घर वापस लेने में लगा दिए। शगुन तो देना पड़ेगा ना। हाँ आप टेंशन मत लो, आप मुझ पर छोड़ दो, मैं कुछ करता हूँ। मैं आती हूँ, चलती हूँ, कल वापस आ जाऊंगी। आज जो कुछ भी हुआ उस बारे में ज्यादा सोचना मत करना, वेंकटेश्वर पर भरोसा रखो, जो कुछ भी हो रहा है ना वो सब तेरे अच्छे के लिए हो रहा है। रुद्र चलो कुछ बात करनी। हो क्या गया तुम्हें, कितना गिरोगे, किस हद तक? तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। मैं मर चुकी हूँ? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सामने ये सब बोला और तुमने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़े रहे वहां, और अब देविका की सिंपथी ले रहे हो, उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। बस करो रुद्र, बंद करो ये सब, रोक लो। तुम रोक देती, सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम तो बोल सकती थी ना। और अगर मैं चुप था तुम कुछ बोल सकती थी ना, क्यों नहीं बोली? झूठ मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने बोला। झूठ बोला मेरी माँ ने? हम दोनों एक दूसरे के लिए मरने गए, जिंदा है क्या एक दूसरे के लिए, साथ है क्या हम? नहीं ना, तो झूठ कैसे बोला, क्या गलत बोला माँ ने? और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो उस वक्त जुबान क्यों नहीं खोली, उस वक्त क्यों नहीं कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हो गई है, ये तमाशा, ये नाटक, ये सब खत्म हो जाता। और तुम तो देविका को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती थी, और तुम्हारी चाहते तो पूरी हो जाती ना, मैं शादी रोक लेता। तो क्यों नहीं किया ऐसा, क्यों चुप रही तुम? बोलो ना, क्यों सच नहीं कहा तुमने? बोलो ना, क्यों नहीं कहा? आवाज बंद, जुबान नहीं खुल रही। मैं बता रहा हूं तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकल रही है, क्योंकि तुम कायर हो, डरपोक हो तुम। तुम्हें डर लग रहा है कि जब जुबान खोलोगी तो जो तुमने ये दुनिया बनाई है ना ये बिखर जाएगी, ये तुम्हारा ये परफेक्ट वर्ल्ड टूट जाएगा, और ये तुम्हारा अरबों खरबों वाला पति ये अरमान ठाकुर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए तो तुम इसके साथ हो, और तुम्हें तो बहुत शौक है ना अमीर पतियों की पत्नी बनने का। मेरे साथ भी तुम इसीलिए थी क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा था, चला गया पैसा तो अब तो मंजर ही अलग है, इसीलिए चुप रही ना। तुम बोलो ना। कितने अच्छे से जानते हो ना मुझे, तो यकीन नहीं होता कभी हम साथ रहते थे, हमारे बीच कोई रिश्ता था, वो भी पति पत्नी का। चलो एटलीस्ट तुम्हारी जुबान तो खुली है, मान लिया तुमने कि हमारे बीच एक रिश्ता था, याद है तुम्हें, थैंक यू सो मच। पर अब भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, देखो मैं अभी के अभी ये शादी रोक दूंगा, पर तुम्हें बताना होगा कि तुम मेरी पत्नी, बताना होगा कि तुम मिसेस रुद्राक्ष खुराना, फैसला तुम्हारे हाथ में। मुझे जो करना मैं कर रही हूँ और करूंगी, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, लेकिन अब मैं ये शादी नहीं रोकूंगा, तुम चाहोगी तब भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि अब ये काम तुम खुद करोगी। मैं तुम्हें उस जगह पे लाके खड़ा कर दूंगा जहां तुम खुद रोकोगी ये शादी। रुद्र अपने अतीत को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करे, वरना ये दर्द से जीने नहीं देगा, घुट घुट कर मर जाता मेरा रुद्र, क्योंकि क्योंकि इसकी पत्नी
इसकी पत्नी मर चुकी है। मैम, हाँ, आपने याद दिलवाने को कहा था अनवी के टेस्ट रिजल्ट डॉक्टर के पास भिजवाने हैं। हाँ, वो ताकि उन्हें मेडिसिन में कोई चेंजेस करने हो तो वो कर देंगे। ये सब तैयारी में मैं भूल ना जाऊँ इसीलिए बोला था। मैं कर दूंगी। थैंक यू। थैंक्स। ये तो चार्ज ही नहीं है। अरमान के लैपटॉप से भेज देती हूँ। प्रशा, मैंने वेडिंग के इनवाइट्स फाइनल कर दिए हैं, कल तक रेडी हो जाएंगे। अच्छा, क्या हुआ? मेरा लैपटॉप बंद हो गया है, अनवी की रिपोर्ट सेंड करनी है, मैं तुम्हारे लैपटॉप से कर लूं? हाँ कर लो, मेरा काम भी हो गया, मैं बस जा ही रहा था। थैंक यू। चलो ना प्रिश्मा, मुझे सोना है। हाँ बच्चा, बस एक मिनट में। नहीं अभी चलो, बहुत जोर से नींद आ रही है। आप चलो ना प्लीज प्रिश्मा, प्लीज चलो ना प्रिश्मा, चलो ना प्लीज।